देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिन ब दिन जन समर्थन उड़ीसा में बढ़ते जा रहा है। प्रदेश की चारों ओर से जहां चुनाव हो गया वहां की परिणाम अच्छे आएंगे। कल एक फेज की चुनाव होने वाला है, फिर 25 और 1 को बाकी 2 फेज की चुनाव होगा। मूल विषय है कि यहां की जो राज्य सरकार के खिलाफ लोगों की मन में एक आक्रोश अभी एकदम प्रकट होकर सामने आ रहा है। 25 साल की नॉन परफॉर्मेंस की गुस्सा अभी लोगों ने वोट के माध्यम से देंगे। पीने की पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ विश्वसनीयता की कमी है। इन लोगों ने जो जो वादे पिछले दिनों में किए थे, ये सारे वादे झूठ निकल रहे हैं। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ना किसानों के बारे में किया, ना युवाओं के बारे में किया, ना महिलाओं के बारे में किया। NCERB रिपोर्ट को अगर आप समझोगे तो उड़ीसा महिला उत्पीड़न में एक प्रमुख राज्य है। ये सारे के खिलाफ लोगों के मन में जो आक्रोश दिख रहा है, ये सत्ता परिवर्तन की एक लहर की ओर बढ़ रहा है। और मोदी जी ने खुद आके यहाँ निवेदन किया है कि एक बार आपने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दीजिए, हम इसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएँगे, आप आगे उसमें हमको आशीर्वाद करिए। पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन निश्चित इस बार मोदी जी का खुद की राज्य सरकार बनाने के लिए अपील ज़्यादा है। प्रधानमंत्री तो बनना एक प्रकार से निश्चित हो चुका है। उड़ीसा की 21 का 21 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगा, यह हमें पूरा विश्वास है। और बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, मोदी जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की वैश्विक नेतृत्व के कारण यूक्रेन रशिया की युद्ध के समय में भी दुनिया ने देखा कैसे प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के अंदर युद्ध विराम करके भारत की हजारों बच्चों को एकदम सेफली भारत ले आए। अनेक राज्यों, अनेक देशों के बच्चे भी भारत के झंडे के नीचे इधर आ गए। ये प्रमाणित करता है विश्व में भारत की बढ़ती हुई प्रभाव। केवल यूक्रेन रशिया की झगड़े नहीं है, आज दुनिया में कोरोना के बाद जब कई सारे प्रश्न है, उस समय भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये विश्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।